मैं आप सबको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इस अर्थ में कि जो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की प्रेरणा से और आप लोगों के कारण जो मैंने यहाँ अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, उस चैनल पे आज 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। और ये 50,000 की संख्या सिर्फ मेरे लिए एक संख्या नहीं है, यह दरअसल उन 50,000 विद्यार्थियों और उन 50,000 लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, जिन्होंने ये भरोसा मुझ में जताया है कि मैं उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें दे पा रहा हूँ। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत शानदार जर्नी है और मैं इस यात्रा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक भी हूँ और मुझे अच्छा लगा, पहली बार मुझे लगा कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत दुनिया हो सकती है। YouTube जर्नी की शुरुआत हुई थी 2020 में, तब क्या था, लॉकडाउन था और कोविड का समय था। तो हमें यह आदेश मिला था कि आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने बच्चों से क्या करना है, जुड़ना है और उनसे बातचीत करनी है। तब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और मेरे ही एक विद्यार्थी ने, जैसे कि आप हैं, मेरे ही एक विद्यार्थी ने मेरा चैनल बनाया और कहा कि सर यहाँ आप कुछ कुछ बता के समझा के और डाल दिया करिए। तो थोड़े दिनों तक मैंने ऐसा किया और लॉकडाउन की प्रक्रिया लंबी चलती रही, तो मैंने कहा कि और क्या कर सकता हूँ। तो इस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू वगैरह लिए, बच्चों को जोड़ा कि वो सुन सकें। उसके बाद काम ठप पड़ गया, क्योंकि फिर धीरे धीरे जब कॉलेज खुलने लगा, क्लास होने लगी, तो मुझे लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ें बंद हो गई। लेकिन जब वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, तो सुबह की मेरी क्लास होती थी 10:15 पर, और अक्सर मैं देखता था कि कुछ बच्चे बहुत लेट आते थे। तो जब बच्चे लेट आते थे तो मैंने एक दो बार उनसे पूछा कि आप क्यों लेट आ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपके साथ, आप समय पे क्लास क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो उस दौरान एक बच्चे ने मुझे उत्तर दिया कि सर मेरा जो घर है वह इतना दूर है कि कॉलेज आने में मुझे 2.5 घंटे 3 घंटे पैदल चल के आना पड़ता है और घर जाते हुए मुझे 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है घर जाने में। और यह भी बताया कि कई बार तो इतनी शाम हो जाती है कि साथ में टॉर्च लेके, जब दिन छोटे होते हैं सर्दियों के, तो टॉर्च लेके आना पड़ता है ताकि हम समय से घर पे पहुंच सकें। मुझे उसकी बात ने बहुत प्रेरित किया और बहुत अंदर तक यह बात मेरे भीतर चुभ गई कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों से ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, इतने मुश्किल हालातों को पार करके ये यहाँ पे पहुँचते हैं, और कई बार इनकी क्लास छूट जाती है, मौसम बहुत खराब होता है तो भी बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं आ पाते हैं। तो अचानक फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि क्लास में पढ़ाते हुए उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए, उस कंटेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि मेरे बच्चे जो मौसम खराब होने की वजह से या खराब परिस्थितियों की वजह से देर से पहुंच पाते हैं, बाद में भी उनके पास यह मौका उपलब्ध रहे कि वो बाद में भी जाकर उस कंटेंट को क्या कर सके, देख सकें। और इसी कड़ी में मैंने धीरे धीरे यहाँ आने के बाद यह काम थोड़ा शुरू किया। शुरू में बहुत संकोच होता था कि क्लास में पढ़ाते हुए कैसे चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ, लेकिन यह भाव था, ये एक प्रेरणा थी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज क्लास में नहीं आ पाए, तो उनका क्या होगा। और फिर वहाँ से मैंने इस यात्रा की शुरुआत की और देखते देखते फिर देश भर से तमाम सारे बच्चे जुड़े, तमाम सारे साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े, सुधी पाठक जुड़े, और वो देखने लगे धीरे धीरे, तो एक उत्साह बढ़ता चला गया। और मुझे भी लगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसे मुझे रिव्यू करने का भी मौका मिलेगा, दोबारा से जाके मैं देख सकूंगा और अगली बार मैं अगर फिर पढ़ाऊँ कोई ऐसी चीज़ तो उसे मैं बेहतर कर सकूँ। तो इस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 0 वीडियो और 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ वो इस चैनल की यात्रा जो है, आज 50,000 सब्सक्राइबर की यात्रा को हमने पाया है। यह जो कुछ भी है वह आपका है, क्योंकि आपकी वजह से ही ये काम शुरू हुआ, इसलिए इसका श्रेय भी आपको जाता है। और आज के समय में जब लोग हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, आपसे विद्वेष फैला रहे हैं, तो ऐसे में एक दशमलव भर सही एक खूबसूरत प्रयास तो मेरा है ही ना कि मैं कोई अच्छी चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा यह लगा इसी प्रक्रिया में कि जो बच्चे जो क्लास में नहीं होते हैं लेकिन दूर दूर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थी तो हैं लेकिन शिक्षक वहाँ पे नहीं है, तो प्रकारांतर से वह भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबको मैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया कहता हूँ, बहुत सारा शुक्राना वो तमाम सारे लोग जो मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबके प्रति बहुत शुक्राना बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस विश्वास के साथ
कि आप लोग इस यात्रा को, अब यह हमारा एक परिवार है, इस परिवार को और आप बेहतर बनाएंगे और विस्तृत करेंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें, बहुत सारा प्यार दें कि मैं स्वस्थ रहूं, और ऐसे ही आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ न कुछ बनाता रहूं, कुछ न कुछ करता रहूं। तो ऐसी स्थिति में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और बेहतर कर सकें, और मुझे ये भरोसा है कि हमारा यह परिवार और आगे चलकर और बड़ा होगा और विस्तार होगा। मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।